आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। तो ये कोट हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके पास कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं है, ठीक है, और आप सिर्फ क्यूरियस भी अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके, तो भी आप सुपर टैलेंटेड पर्सन है, ठीक है। टैलेंट क्या होता है कि आपको कोई आर्ट बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से बजा लेते हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ में टैलेंटेड है, मतलब कि आपको कोई भी काम नेचुरल टैलेंट है आपका कि हाँ आप वो चीज़ बहुत बेटर कर लेते हैं, आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, आप डांसिंग में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एफर्टलेसली वो चीज़ें हो रही है, आप में वो टैलेंट है, ठीक है, ड्राइंग हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनमें बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन कोई पर्सन के पास अगर कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन वो पैशनेटली क्यूरियस है कि हर चीज़ को लर्न करने के लिए, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो पर्सन भी सुपर टैलेंटेड है, ठीक है। वो क्योंकि अगर आप टैलेंटेड है तो आप सिर्फ एक चीज़ में ही परफेक्ट है, लेकिन अगर आप क्यूरियस हैं तो आप हर चीज़ को जानना चाहोगे कि हाँ म्यूज़िक को, सिंगिंग को, हर चीज़ को आप जानना चाहोगे, आप एक्सप्लोर करना चाहोगे कि यहाँ कैसे होता है या जैसे भी है, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछोगे, आप क्यूरियस रहोगे। सो अगर आप में कोई टैलेंट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अगर क्यूरियस है ना हर चीज़, आप में बर्निंग डिज़ायर है कि सब कुछ मुझे जानना है, मुझे लर्न करना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करनी है, तो आप भी एक सुपर टैलेंटेड पर्सन है, ठीक है। क्योंकि कोई टैलेंटेड है वो एक ही चीज़ में टैलेंटेड है, लेकिन आप अगर इतना कुछ लर्न कर रहे हो, अलग अलग चीज़ें सीख रहे हो, तो आप भी सुपर टैलेंटेड पर्सन हो और आप में भी एक क्वालिटी है, ठीक है, जो आपको औरों से अलग बनाती है। सो यू आर ऑल, आप भी क्या हो, पैशनेटली क्यूरियस। सो आई होप यू लाइक दिस कोट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कोट में, तब तक टेक केयर।